हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के फोर्थ वीक ऑफ जुलाई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज इज ग्राउंड वाटर फॉलिंग इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। तो पूरे इंडिया में कुल 256 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 256 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 800 और डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो बहुत ही अलार्मिंग लेवल पे नीचे जा चुका है। और उसमें से 19 जिले जो हैं दे आर इन हरियाणा ओनली। और ये बहुत हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो आउट ऑफ दोस 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा आर सच जिनमें कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अलार्मिंग लेवल पे नीचे जा चुका है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया हुआ है जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी उसे बढ़ाने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है कि स्टेट के 19 जिले जो हैं वो ग्राउंड वाटर डेफिशिएंट हैं। सेंटर ने एक टीम भी इसके लिए डिप्यूट किया है जिसमें टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के साथ कलैबोरेट करेंगे और सूटेबल इंटरवेंशन करेंगे। सूटेबल इंटरवेंशन का यहाँ पे मतलब ये है कि तरीके ढूंढे जाएंगे कि कैसे ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है, कैसे ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है। बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, क्यूरेटिव मेजर्स क्या हैं, कि क्या जो वाटर एक्सट्रैक्शन है थ्रू ट्यूबवेल्स एंड मोटर्स, क्या उसे कम किया जाएगा, या क्या जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसे बढ़ाया जाएगा। वट एवर The steps needed to be taken, those are the suitable interventions. Minister of State for Jal Shakti और Food Processing Industries जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने लोकसभा में एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉलिंग ग्राउंड वाटर टेबल के लिए स्टेप्स लेना चाहती है। और ये ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा जो ये जिले सबसे ज़्यादा ये जो हैं वो रोहतक और झज्जर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो एक मास्टर प्लान बनने की बात हो रही है हरियाणा के लिए, जिससे कि 7.4 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को बनाया जाएगा, जिससे कि 679 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल को जो है वो इकट्ठा करके उसे बचाया जा सकेगा, या फिर उसे यूज किया जाएगा, या फिर उसे जो है ग्राउंड वाटर एक्विफर्स रिचार्ज करने के लिए यूज किया जाएगा। सो बेसिकली देयर इज अ मास्टर प्लान बट द प्रॉब्लम इज सिवियर। और ये प्रॉब्लम सिवियर होने का एक कारण, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन पंजाब एज वेल। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि हरियाणा और पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही पैडी कल्टिवेशन इनसेजेंटली विदाउट एनी ब्रेक करते आ रहे हैं, एंड पैडी इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर गजलिंग क्रॉप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कोई बिल्कुल नेचुरल तो नहीं है, कहीं कैनाल्स की मदद से या फिर ट्यूबवेल्स की मदद से। सो देर आर लैक्स ऑफ ट्यूबवेल्स इन दीज टू स्टेट्स जो कि दिन रात बिलियंस ऑफ लीटर्स वाटर जो है वो ग्राउंड से निकालते हैं। दैट इज वाई द ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। द सिमिलर रिपोर्ट वॉज गिवन फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब एज वेल। तो ये दोनों पंजाब और हरियाणा की प्रॉब्लम है और इसका लॉन्ग टर्म मेजर ही कोई जो है वो बन सकता है, राइट? सो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स या फिर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स में एक मेजरली आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ग्राउंड वाटर लेवल्स का नीचे जाना एक बहुत अलार्मफुल चीज़ है फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। और उसे रिप्लेनिश करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यू कैन यू नो मेक योर ओन पॉइंट्स कि किस तरह से मोटर पम्पिंग के ऊपर जो है वो रेगुलेशन लगानी चाहिए। बैन वर्ड यूज़ करने से बचें, रेगुलेशन किस तरह से लगाई जा सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, इस तरह की बातें ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर सजेशंस। नेक्स्ट, 40% सब्सिडी ऑन बायोगैस प्लांट्स इन गौशालास इन हरियाणा। तो हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं जहां पे जो काउ हर्ड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहां पे अगर बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस, ऑफकोर्स गौशाला है तो वहाँ पे बहुत सारा काउडंग प्रोड्यूस होगा और उससे बायोगैस बन सकती है। तो अगर गौशालाज बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए आगे आती हैं तो उन्हें 40% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देगी। इट्स अ इनोवेटिव स्टेप फॉर और टूवर्ड्स द
use of these biofuels and to use it as a resource. एक बहुत इनोवेटिव स्टेप है स्टेट लेवल के लेवल पे. तो हरियाणा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट और हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हरेडा, ये दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है. एक एक्शन प्लान है जिससे कि इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट्स बनाए जाएंगे. जनरली जब भी कभी बायोगैस प्लांट्स बने हैं तो दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल बिकॉज यू नीड अ सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ काउडंग, जो कि इतना ईजी नहीं होता. लेकिन अगर गौशाला में इन्हें लगा दिया जाएगा देन दैट कैन बी, इट्स लाइक कि आप रॉ मटेरियल के पास ही इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट 40% सब्सिडी जो है वो देगी. सो गौशाला एंड डेयरी ऑपरेटर्स, डेयरी ऑपरेटर्स ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव रेगुलर सप्लाई. सो दोज हु वांट टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट कैन अप्लाई टू द ऑफिस ऑफ द एडीसी और एडिशनल Deputy Commissioner. So, अपने डिस्ट्रिक्ट के एडीसी के पास वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिससे कि उन्हें 40% सब्सिडी दी जाएगी. ऑलरेडी द स्टेट इज गिविंग सब्सिडी फॉर अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल द रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत रूफ टॉप सोलर पैनल्स, इसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी खासी सब्सिडी देती है. और पंचकुला मॉडल ऑफ रूफटॉप सोलर पावर पैनल्स इज अ इनक्रेडिबल मॉडल जिसे कि पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किया जाना चाहिए. सो पंचकुला मॉडल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज कि द सिटी ऑफ पंचकुला इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इट हैज अ पॉलिसी कि एक पर्टिकुलर एरिया से ऊपर अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी का साइज है तो उसके रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना मैंडेटरी है. That's why every single household in the city of Panchkula has a rooftop solar panel, which is mandatory, जिसके बिना यहाँ पर जो नक्शा है वो पास नहीं होता. It is mandatory and this is an incredible model that has to be followed, that should be followed everywhere in India. तो उसी तरह से renewable energy को ही promote करने के लिए इन्हीं दोनों agencies की तरफ से ये biogas plants का जो plan है ये तैयार किया गया. नेक्स्ट, हिसार एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर महाराजा अग्रसेन. तो ये एक फैक्चुअल न्यूज़ है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, स्टेट का पहला सिविल एयरपोर्ट जो हिसार में है, इसे महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा. महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है इसका नाम रखा जाएगा एज अ सेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू हिम. और ये अग्रवाल वैश्य समाज जो है उसने इस फैसले को वेलकम किया है. राइट, सो यू जस्ट हैव टू बी, इट्स अ फैक्चुअल न्यूज कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा. आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है इस हफ्ते की, दैट इज हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विद 100% मार्क्स इन क्राइम ट्रैकिंग इन इंडिया. तो हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने ये जानकारी दी कि सीसीटीएनएस में हरियाणा ऐसी पहली स्टेट बन गया है जिसने 100% मार्क्स लिए हैं. सो व्हाट इज सीसीटीएनएस, इसे डिटेल में देखेंगे. सीसीटीएनएस बेसिकली इज क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. उससे पहले जो अनिल विज है उन्होंने डीजीपी को बधाई दी है इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट के लिए. बेसिकली टेल्स अस दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इज एक्सट्रीमली रोबस्ट एंड द सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड एक्चुअली बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री. तो पूरे इंडिया में इसे इंप्लीमेंट किया गया था जिससे कि क्राइम को कम किया जा सके और जो पुलिस है उसे अपग्रेड किया जा सके अलग अलग पैरामीटर्स पे. बेसिकली द आइडिया ऑफ सीसीटीएनएस वाज कि सारा का सारा डेटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज कर दिया जाए और जो नए तरह के क्राइम्स हैं जैसे कि साइबर क्राइम्स, बुलिंग या फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह, उन सबको भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सके. तो इसमें हरियाणा पुलिस ने पहली पोजीशन हासिल की है पूरे देश में विद 100% मार्क्स. और सेकंड नंबर पे आया है गुजरात जिसके 99.9% मार्क्स हैं. और थर्ड नंबर पे आया है हिमाचल प्रदेश विच हैज 99.6% मार्क्स. हरियाणा, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश. अब देखते हैं CCTNS है क्या, लेट अस सी इन सम डिटेल. सो CCTNS और
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या कहें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्लान जो है लॉन्च किया था, अप्रूव किया था अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और ई गवर्नेंस का तो मतलब ही होता है गवर्नमेंट एट द डोरस्टेप। इसका मतलब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अगर वो आपको अपने घर बैठे ही ऑनलाइन एक्सेस हो जाए, दैट इज ई गवर्नेंस। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंदर CCTNS एक मिशन मोड में लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसे होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ही देखती है। और ये 2009 में लॉन्च किया गया था। एक इसका लॉन्च करने का बड़ा कारण था 2008 में हुए मुंबई अटैक्स। 2008 में 26/11 यानी कि 26 नवंबर को मुंबई में ताज होटल और बहुत अलग अलग जगह पर टेररिस्ट अटैक हुए थे। उसके बाद से ये बात आनी शुरू हो गई कि पुलिस फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और इसको बहुत ही स्पीड अप करने के लिए, ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन का काम है इसके लिए ऑनलाइन इसको करना चाहिए CCTNS सिस्टम को। और अब तक इसमें करीब करीब इसमें जो प्रपोजल है वो है 14,000 पुलिस स्टेशन को आपस में लिंक करने का। 14,000 पुलिस स्टेशन थ्रू आउट द कंट्री आर प्रपोज टू बी ऑटोमेटेड बिसाइड 6,000 हायर ऑफिसेज इन द पुलिस हायरार्की। तो पुलिस, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सब में कुल मिलाकर 20,000 ऐसे ऑफिसेज और स्टेशन हैं जिनको कि ऑनलाइन ऑटोमेट कर दिया जाएगा। और इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं? पुलिस की फंक्शनिंग को सिटीजन फ्रेंडली बनाना। आज की डेट में लोग जो है पुलिस से डरते हैं, लोग पुलिस के साथ मिलकर काम करें, दैट इज द पर्पज। मोर ट्रांसपेरेंट बाय ऑटोमेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। बेसिकली इसमें सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल यू फाइल एन FIR, तो FIR की कॉपी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। FIR का जो यूनिक नंबर है उसे डालकर आप उसका स्टेटस पता कर सकते हैं, देन केस का स्टेटस पता कर सकते हैं। और एक तरह से सिटीजन्स चार्टर जो है वो वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, इस पोर्टल पर दिखाया जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। इससे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को इफेक्टिव तरीके से ICT को यूज करते हुए प्रोवाइड कराया जाएगा। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। सो ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अगर पुलिस स्टेशन में आपको कोई काम है, दैट कैन बी डन ऑनलाइन। सिमिलरली एनी अदर टाइप ऑफ वेरिफिकेशन, एनी टाइप ऑफ क्रेडेंशियल्स चेकिंग, एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट फाइलिंग, ये सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए सिविल पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको टूल, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में भी इसको यूज़ कर सकें, क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने में भी यूज़ कर सकें। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इट्स लाइक कि आपने पूरी पुलिस की फंक्शनिंग को ऑनलाइन कर दिया है। तो अभी इसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन जितना भी अभी तक ये इम्प्लीमेंट हो चुका है उसमें हरियाणा ने अच्छा स्कोर किया है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। दैट टेल्स अस दैट हरियाणा में जो पुलिस फोर्स है, इट इज़ टेकिंग इट्स टास्क क्वाइट सीरियसली, एंड पुलिस रिफॉर्म्स के डायरेक्शन में भी एक अच्छा स्टेप है। जैसा कि प्रकाश सिंह कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि पुलिस शुड बी मॉडर्न, पुलिस शुड बी सिटीजन फ्रेंडली, सिटीजन सेंट्रिक। तो CCTNS इस चीज़ को बहुत आगे लेकर जाता है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर हरियाणा एंड फॉर द गवर्नेंस ऑफ हरियाणा कि यहाँ पर इतने अच्छे मार्क्स हरियाणा को मिले। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव टू कवर इन दिस वीक्स करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा। फॉर अदर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।